सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग की जा रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित करने के लिए केंद्र को निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया है। चीफ जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस कृष्ण मुरारी और हिमा कोहली ने भाजपा नेता की याचिका को अर्जेंट बताया और कहा कि यह छोटा मामला है जिसे सुनवाई के लिए लिस्ट किए जाने की जरूरत है। तो आइए समझते हैं ये मामला क्या है और राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग क्यों की जा रही है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि राम सेतु है कहाँ। राम सेतु को आदम का पुल भी कहा जाता है। राम सेतु एक पुल है जो तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर पत्थर के द्वारा बनाया गया था। यह दक्षिण भारत में रामेश्वरम के पास पंबन द्वीप से श्रीलंका के उत्तरी तट पर मन्नार द्वीप तक बना हुआ है। रामायण महाकाव्य के अनुसार सीता को बचाने के लिए श्रीलंका पहुंचने के लिए भगवान राम व उनकी वानर सेना के द्वारा इसी पुल का निर्माण किया गया था। राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग काफी समय पहले से ही की जा रही है। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि भारत एक धर्म प्रधान राष्ट्र है, श्री राम और उनका कृतित्व हमारे लिए अमूल्य है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने राम सेतु को काल्पनिक बताते हुए सेतु समुद्रम योजना के तहत तोड़ने की पूरी योजना तैयार कर ली। इसके लिए 892 करोड़ खर्च किए। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मांग की कि इसे संसद के माध्यम से राष्ट्रीय विरासत घोषित करने की कार्रवाई करे। भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली राम समुद्रम परियोजना 2005 में यूपीए सरकार के कार्यकाल में लाई गई थी। इसमें 44.9 नॉटिकल मील यानी कि 83 किलोमीटर लंबा एक गहरा जल मार्ग खोदा जाएगा जिसके द्वारा पाक जल डमरू मध्य को मनार की खाड़ी से जोड़ दिया जाएगा। इस परियोजना को अमल में लाने के लिए राम सेतु को तोड़ने की योजना थी, लेकिन हिंदू संगठनों ने राम सेतु को तोड़ने का विरोध किया था। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। श्रीलंका और भारत के बीच जहाजों को आने जाने के लिए कई अतिरिक्त चक्कर काटना पड़ता है क्योंकि दोनों देशों को सीधा जोड़ने के रास्ते में राम सेतु है और राम सेतु के कारण समुद्र की गहराई कम है, इसलिए जहाजों को घूम कर जाना पड़ता है। रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच चुने की उथली चट्टाने हैं, इसे राम सेतु या एडम्स ब्रिज या फिर आदम पुल भी कहा जाता है। इस पुल की लंबाई करीब 48 किलोमीटर है। बता दें कि इस मामले को लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने यूपीए सरकार की योजना पर रोक की मांग की थी और इसके बाद राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग की। स्वामी ने तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े और न्यायमूर्ति एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम की पीठ से आग्रह किया था कि याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। इस पर सीजेआई ने कहा था कि अगले सीजेआई को इस मुद्दे से निपटने दे, मेरे पास इतना समय नहीं है, इस मुद्दे के लिए समय चाहिए और मेरे पास समय नहीं है। स्पेशल स्टोरी वॉइस ऑफ भारत।